अस्सलामुअलैकुम। एक और अच्छी बात के साथ मैं दोबारा आपके सामने। अब सोच दूँगी मैं रोज़ाना जो है आप पता नहीं ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी बातें करना शुरू जाती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छी बातें उससे मुराद ये होती है कि वो वाकयात या वो चीज़ें जो मैंने अपनी लाइफ में खुद एक्सपीरियंस से सीखी हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। और इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर आपके पास कोई अच्छी बात है जो मुझे आप सिखा सकते हैं, मुझे आप बता सकते हैं, तो प्लीज़ मोर देन वेलकम। आप मुझे नीचे कमेंट करें और मैं डेफिनेटली आपका नाम लेके वो वाकया वो बात एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। तो भाई चले आज की अच्छी बात की तरफ आ जाते हैं। आज की अच्छी बात है एक बात, किसी को ना मशवरा मत दें जब तक वो आपसे मांगे नहीं। उसके दो रीज़न हैं। बड़े बूढ़े कह गए हैं कि देखें अक्लमंद को ना मशवरे की ज़रूरत नहीं होती और बेवकूफ़ मशवरा कबूल नहीं करता। तो ये बात याद रखिएगा कि आपको ना अपने अल्फाज ज़ाया नहीं करना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, बहस नहीं करें। हम सब अपनी ज़िंदगी में ना कभी कभी ये सोचे बगैर कि अगले बंदे का कैलिबर क्या है बहस करना शुरू हो जाते हैं। उससे क्या होता है, लामहाला अगला बंदा अपनी आवाज़ ऊंची करता है या गुस्सा करता है या जो है ना लोअर लेवल तक आ जाता है, गिरी हुई लेवल तक आ जाता है अपने आप को प्रूव करने के लिए कि वो सही है। तो क्या आप सही होते हुए भी अपने आप को सही प्रूव नहीं कर रहे होते? तो इससे बेहतर है ऐसे बंदे के साथ बहस नहीं करें। जब भी आप किसी से बात करें तो देख लें, जाँच लें कि उस बंदे का कैलिबर क्या है, उस बंदे के पास इतनी समझ बूझ है कि वो आपकी बात को समझ सके, कि आपकी बात को कबूल कर सके। नहीं है, बहस नहीं करें। अच्छा, हमारी वर्किंग प्लेस पे ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो मैं उस हिसाब से इस हवाले से मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए एक किस्सा सुनाती हूँ। देखिए, एक गधा होता है और एक घोड़ा होता है, दोनों में बहस हो जाती है। बहस किस बात पर होती है? बहस इस बात पर होती है कि गधा बोलता है आसमान काला है, जबकि घोड़ा बोलता है आसमान नीला है। बहस बढ़ती है तो फैसला ये होता है कि चलो इस मामले को लेके जंगल के बादशाह के पास जाते हैं। जंगल का बादशाह इस बात पे का फैसला करेगा कि आसमान नीला है या काला। जंगल के बादशाह के पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि जी गधे और घोड़े में बहस हो गई है। तो जंगल का बादशाह मामला सुनने से पहले ही कहता है घोड़े को उठाओ और जेल में डालो। अब घोड़ा बोलता है कि बादशाह सलामत, मामला तो सुन लें, जो है मामले पे फैसला तो बाद में होगा, लेकिन आप मामला तो सुने। तो वो बादशाह सलामत कहते हैं एक मिनट पुत्र जी, मामला तो मैं बाद में सुनूंगा, बात यह है कि तुम्हें तो जेल में मैं इसलिए डाल रहा हूं कि तुम बहस कर किससे रहे थे। मेरी बात समझ रहे हैं आप? रिमेंबर वन थिंग, जब भी आपके सामने कोई ऐसा बंदा आए जिसके मुतालिक आपको पता है तो प्लीज दिल में सोच लें मुझे जेल में ही जाना, मुझे बहस नहीं करनी। जैसे ही कोई बात बहस तक आए आप फौरन बोले आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को सिर्फ यही तो सुनना होता है कि वो सही कह रहे हैं। उन्हें सिर्फ अपने आप को सही प्रूफ करना होता है कि वो सही हैं, उनके पास दुनिया भर की समझ बूझ सब कुछ है। नंबर वन थिंग, बहस नहीं करनी, जेल नहीं जाना, अगले बंदे का कैलिबर नहीं है, मामला रैप अप। चलें, मैं आपसे दोबारा मिलूंगी टिल माय नेक्स्ट अच्छी बात वाले ब्लॉग में, ठीक है। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।